समाजवादी पार्टी के बेतिहाता स्थित कार्यालय पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 117वीं जयंती मनाई गई, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष प्रहलाद यादव ने और संचालन निवर्तमान महानगर अध्यक्ष जिला जियाउल इस्लाम ने किया। इस दौरान नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर व माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी तथा उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। इस संबंध में निवर्तमान जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने बताया कि जयप्रकाश नारायण ने अपने विचारों, दर्शन तथा व्यक्तित्व से देश की दिशा तय की थी। लोकनायक के शब्द को असलियत में चरितार्थ करने वाले जयप्रकाश नारायण अत्यंत समर्पित जननायक और मानवतावादी चिंतक तो थे ही, इसके साथ साथ अत्यंत शालीन और मर्यादित सार्वजनिक जीवन जीने वाले व्यक्ति भी थे। उनका समाजवाद का नारा आज भी हर तरफ गूंज रहा है। इस दौरान प्रमुख रूप से डॉक्टर मोहसिन खान, अवधेश यादव, राजेश सिंह, सिंहासन यादव, मिर्जा कदीर बेग, राम लखन पासवान, मनमोहन यादव, मैना भाई, राम उग्रह यादव, विकास यादव, अशोक चौधरी, बिट्टू यादव, अनवार आलम, इमरान खान, संतोष यादव, राजदेव यादव, परदेसी यादव, चंद्रदीप मिश्रा आदि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए निवर्तमान सपा जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने कहा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का जन्मदिन है और समाजवादी पार्टी उनके जन्मदिन को आज मनाई है। उन्होंने सर्वहारा वर्ग के लिए, समाजवादियों को लिए इतना सारा काम किया है देश में कि आज हम लोग उन कामों को याद करते हुए उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने के शपथ के साथ उनके जन्मदिन को मनाए हैं।